रांची नगर निगम को एक आलिशान इमारत तो जरूर मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं निगम की कार्यवाही अब भी उसी पुराने सिस्टम पर चल रही है। क्या है पूरा मामला, समझो इस रिपोर्ट के जरिए। रांची नगर निगम को नया चेहरा तो जरूर मिल चुका है, लेकिन यह ढर्रा है कि बदलता ही नहीं। जी हाँ, इमारत तो नई खड़ी कर दी गई है, लेकिन कार्रवाई अब भी उसी पुराने सिस्टम पर चल रही है। अच्छा होता अगर दफ्तर के साथ पूरे शहर की तस्वीर भी बदल जाती। राजधानी रांची के बीचों बीच ये इलाका, इसे पुरानी रांची भी कहते हैं। इस इलाके में सुविधाओं के नाम पर अगर कुछ है तो वो है गंदगी। और ये तस्वीर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है जनाब, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गंदगी का अंबार दिखेगा। रास्ता गली कोचा से निकल के जा रहा है, क्या करेगा, स्कूल तो जाना है। अब रास्ता के लिए तू लोग स्कूल नहीं जा सकता है, कितना दिक्कत हो रहा है। इधर किसी का आंगन से भी जाने में दो शब्द आदमी सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करके जा रहा है। ना हो गया है, पानी मंदिर में ढुक रहा है, शिव जी का मंदिर है हम लोग बगल में, चापानल में पानी टकरल है, पानी आदमी भरने में बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी इससे बीमारी भी होता है? हाँ, मच्छर मच्छर तो मच्छर से बीमारी होगा। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत निगम से कई बार की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। हालांकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हम नगर आयुक्त के पास इस क्षेत्र की समस्या को लेकर पहुंचे। अनधिकृत संरचनाओं की वजह से इस तरह की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर एज पर द बिल्डिंग बायलॉज जो है उनके ऊपर जो है नियमानुसार वैधानिक कड़ी कार्रवाई भी की जाए, ताकि फर्दर जो है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सर, पानी की निकासी भी नहीं है कहीं ना कहीं? मैंने बताया आपको कि पानी की निकासी नहीं होने की बड़ी वजह मोटे तौर पे शहरों के भीतर यही है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अनऑथराइज तरीके से पहले बना दिए। हालांकि बड़ी बात ये नहीं है कि कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी, जरूरत है तो यहाँ स्थायी व्यवस्था करने की, वरना रांची यूं ही कागजों पर स्मार्ट बनकर रह जाएगी। लाइव 7 के लिए मुर्शीद आलम की रिपोर्ट।